मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, आज के दिन जो मार्केट में एक्टिविटी हुई है, जो खरीदारी बिक्री हुई है, उसमें जिन स्टॉक्स ने आज 52 वीक हाई बनाया हुआ है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके बारे में बताने का मकसद ये होता है कि मित्रों, जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई बनाता है तो उसको ब्रेकआउट माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ दिनों तक उसमें तेजी रह सकती है। तो यदि हम ट्रेडिंग के लिए 52 वीक हाई वाली स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो यहाँ पर लाभ की जो उम्मीदें होती हैं वो बढ़ जाती है, और यदि हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले और एक हम पहले से तैयार रहें कि 2% 3% जो हमारा लॉस सहने की क्षमता हो उसका स्टॉप लॉस लगा करके यदि हम इन स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आने वाले कुछ समयों में स्विंग ट्रेडिंग में देखा जाए तो हम ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। तो उसी के तहत आज मैं जो 52 वीक हाई स्टॉक बनाए हुए हैं और जो खरीदने लायक हैं प्रमुख कंपनियों को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। हालांकि कंपनियाँ तो बहुत हैं 52 वीक हाई बनाने वाली, लेकिन जिन कंपनियों को हम निवेश के लिए ले सकते हैं, जिनका फंडामेंटल थोड़ा ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि कोई हम ऐसा शेयर ले लें कि यदि गिरना शुरू हो जाए तो लोअर सर्किट पर हम उसको फिर बेच ना पा रहे। तो अपेक्षाकृत सही कंपनी, सुरक्षित कंपनी जो आज 52 हाई बनाया हुआ है उनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। तो जो पहली कंपनी बनाई है मित्रों, वो है एबॉट इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, एबॉट इंडिया जो है फार्मा सेक्टर की MNC कंपनी है, और जो क्लोजिंग प्राइस रहा 12,815 रुपया है। पिछले साल भर में आप देखेंगे जो इसका रिटर्न है वो +67% का है, अर्थात ट्रेडिंग के लिए यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही शानदार पिक है। वैसे अबाउट इंडिया एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, हम चाहें तो फार्मा सेक्टर में इस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो स्टॉक भी बना सकते हैं। हालांकि टिकट साइज थोड़ा सा बड़ा है, 12,000 रुपये का शेयर है, लेकिन सही है। दूसरा नंबर जो 52 वीक हाई बनाया हुआ है वो शेयर है मित्रों, वह भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल वो जो एयरटेल का मोबाइल सर्विस देती है, ये 409 पे बंद हुआ है, और जो इसका एक साल का जो रिटर्न है +33%। इसका +33% है, इसलिए मैं इसको ट्रेडिंग के लिए सही नहीं समझता। कम से कम +50% होना चाहिए तब मैं ट्रेडिंग के लिए सही मानता हूँ एक साल का रिटर्न। इसके अतिरिक्त भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर का शेयर है, भयंकर कर्ज है, जो पिछला अभी जो क्वार्टरली नतीजे घोषित हुए उसमें 50,000 करोड़ का कर्जा नुकसान दिखाया था। यानी फंडामेंटली देखा जाए तो यह सेक्टर पूरा जो बुरे दौर से गुजर रहा है, इस प्रकार इसमें हाथ लगाना उचित नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए सबसे अच्छा शेयर रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसमें टेलीकॉम की बिजनेस के साथ साथ आपका रिटेल का बिजनेस, ऑयल एंड गैस का बिजनेस और भी कई तरह के बिजनेस को लेके चल रहा है। मुकेश अंबानी प्रमोटर वाली कंपनी है, बहुत बेहतरीन है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा शेयर जो आज 52 वीक हाई बना हुआ है वो है इन्फोएज। इन्फोएज बहुत बेहतरीन कंपनी, और आज जो इसने बनाया हुआ है 2727 का 52 वीक हाई बनाया है, और एक साल का जो रिटर्न है +98%। ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन यह भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। इन्फोएज बोले तो जोमेटो, नौकरी.com, policybazaar.com, मेट्रोमोनियल.com जैसे कई स्टार्टअप में इसका कारोबार है।
और यदि आने वाले समयों में जिस तरीके का माहौल हो रहा है, जिस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप बेस्ड बिजनेस प्रारंभ हुए हैं अपने देश में, उसको देखते हुए यदि हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं स्टार्टअप का, तो हमें इन्फो एज को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो यह ट्रेडिंग के लिए भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। चौथा, एल्केम लैब। ये भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है जो 2080 में बंद हुई थी आज के डेट में, और जो 1 साल का रिटर्न है मार्क +7%, इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते। जो पांचवी कंपनी है मित्रों, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसका जो 793 भाव है और जो साल भर का इसका जो रिटर्न है मित्रों, वह है 118%। ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक है, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा नया नहीं हुआ है, साल 1.5 साल पुरानी है कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसका आंकड़ा भी लंबा नहीं है, मतलब चार्ट यदि आप खोजेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड खोजेंगे तो बहुत बड़ा इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हालिया लिस्टेड कंपनियों जो IPO आए हैं, जो लिस्टेड हुई हैं, उस पर तेजी चल रही है, अब उसको देखते हुए लग रहा है कि खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। IRCTC को देख लीजिए, क्रेडिट एक्सेस को देख लीजिए, फिर आप HDFC AMC को देख लीजिए, कई ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार भागती जा रही है, बिल्कुल मतलब इतना तेजी से भाग रहा है कि उस तेजी से भागने को देख करके संदेह हो रहा है कि सतर्क हो जाना चाहिए। तो इस क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पे जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे, इनकी तुलना में कुछ ज़्यादा ही सतर्कता रखनी होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस यदि 3-4% रखते हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस 2-3%, 2 ही% रखिए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। छठा है मित्रों, इप्टा लैब। अगेन फार्मा सेक्टर की कंपनी, इसने जो साल भर का रिटर्न दिया है +52% और 1159 पर ये क्लोजिंग दिया है। अभी पिछले दिनों भी 52 हाई बनाया था, तो ये +50% रिटर्न नहीं था, तो मैंने इसको शामिल नहीं किया था, तो वर्तमान में यह भी मेरे ट्रेडिंग रडार पर आ गया है। और सातवां है मित्रों, DLF, रियल्टी सेक्टर की कंपनी, और वर्तमान में जो इसका भाव है वो 216 रुपया है और साल भर का जो रिटर्न है +27%, तो ट्रेडिंग के लिए यह भी सही नहीं है। कौन कौन सही है ट्रेडिंग के लिए? अबॉट इंडिया, इन्फो एज, क्रेडिट एक्सेस और इपका लैब, चार ट्रेडिंग के लिए सही है। यदि हमको ट्रेडिंग करना है इससे, तो हम जो भी बजट बनाए उस बजट में बराबर बराबर मात्रा में अबॉट, इन्फो एज, क्रेडिट एक्सेस और इपका लैब को ले करके रख लें। फिर कुछ समय बाद 15 से 20 दिन का हम व्यू रखें, तो इस पर ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। मेरा अपना मानना है कि 1 महीने में कम से कम 7-8 से 8-10% तो आसानी से रिटर्न मिल ही जाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। यदि आप चाहेंगे तो इसमें से कोई एक शेयर भी रख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। मैंने जो 52 वीक हाई बनाए थे, मैंने उसको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करो।